हाँ तो भाई जैसा मुझे लग रहा था इंडिया हारने वाली पहला T20 मैच और वैसा ही हुआ। और जो मेरे प्रेडिक्शन से कल की वीडियो में वो सही हुए। मैंने आपसे बोला था कॉनवे अच्छा खेलेगा मारेगा, कॉनवे ने रन बनाया, शुभमन गिल बोला था आउट हो जाएगा, जल्दी आउट हो गया। और लॉकी फर्गुसन का मैंने बताया लोग उसको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए पिक करते हैं, मगर वो ऐसा बॉलर है जो सेकंड इनिंग्स में विकेट लेता है। आपको ये बोला था ब्रेसनर तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छा खेला। आपको ये भी बोला था ब्रेसवेल को आप तभी लेना जब सेकंड इनिंग बॉलिंग कराए, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराए तो मत लेना। और उसने सेकंड इनिंग बॉलिंग कराया, उसने भी अच्छा किया। सूर्य कुमार यादव को बोला था मैंने आपको कि लोग बोलेंगे फर्स्ट इनिंग में कैप्टन के लिए सेफ होगा, मगर भाई वो सेकंड इनिंग बैटिंग करते हुए ज्यादा अच्छा खेलता है और वैसा ही हुआ। तो जो भी मेरे प्रेडिक्शन थे वो ऑलमोस्ट सारे सही हुए, बस शुभमन गिल का मेरा गड़बड़, उसका राहुल त्रिपाठी मैंने बोला था अच्छा करेगा वो नहीं अच्छा किया, बाकी लगभग लगभग राहुल त्रिपाठी और उसका किशन का, बाकी लगभग जितने भी प्लेयर्स के प्रेडिक्शन के थे 15-16 प्लेयर्स के वो सब सही हुए। तो यही होता है, यही फायदा होता है वीडियो देखने का, यही फायदा होता है जो आप क्वालिटी टाइम अपना देते हो वीडियो में, उससे आपको सीखने को मिलता है, आपको पता चलता है कौन सा प्लेयर कब अच्छा करता है कब खराब करता है। आप मेरी बातों को कागज पर नोट कर सकते हो हर मैच के लिए, जिस मैच के लिए मैं वीडियो बनाऊं पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी टीम अच्छी बनेगी, समझ में आया। तो ये चीज़ है, तो सभी भाइयों को से रिक्वेस्ट है अगर आपको रेगुलर पैसा कमाना है तो मेरे प्रेडिक्शन पर भरोसा करो। जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, धीरे धीरे आदत लग जाएगी, फिर बिना वीडियो के रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो एक नशा है जो आपको पैसा कमाने के नशे में तब्दील करती है, सिंपल सी बात है। तो देखते रहो वीडियो शुरू से एंड तक, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। लाइक इसलिए करो ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और वीडियोस लगातार बनाने का, और कमेंट करके बताओ कैसी लगती है, क्या कमी है, क्या आपको चाहिए वीडियो में, क्या नहीं चाहिए, वो सब बताओ। और कुछ मेरे बारे में कहना हो वो कह सकते हो खुले दिल से, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको बताया ये चीज़। और सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपकी लाइफ में पैसे कमी नहीं आएगी, पैसा आप डेली कमाते रहोगे फैंटेसी क्रिकेट के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हम आपको कमाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं जिन लोगों ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं रोजाना गिवअवेज पोस्ट करता हूँ, कल डालना भूल गया था सॉरी उसके लिए, दिमाग से निकल गया। रोजाना 1-2 लाख रुपए के फ्री गिवअवेज आपके लिए यहाँ पर डालता रहता हूँ, जिससे आप फ्री में फैंटेसी की टीम बना के खेल सकते हो और खूब सारा पैसा फ्री में कमा सकते हो, अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही में इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया के सभी ऑफर्स, सभी फायदे वाली चीज़ें, आपको टिप्स मैच की, और इवन टॉस के बाद जो मैं अपनी फाइनल टीम देता हूँ वो भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री। तो लगभग लगभग 5,20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो क्यों नहीं जुड़े भाई, इस वक्त 5,20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तुरंत जाओ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ पर क्लिक करो और जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का हमारा यूजर नेम है अनुराग एक्स क्रिकेट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर अनुराग द्विवेदी भी सर्च कर सकते हो, ब्लू टिक लगा है, वेरीफाइड चैनल है, और जाके जुड़ जाओ, वहाँ पर लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो होने वाला है बिग बैश लीग का मैच, भाई देखो क्वालिफायर वन, तो इसका तो इस मैच में क्या है कि भाई देखो दोनों टीम के लिए जीतना जरूरी है, जो भी टीम जीत जाएगी सीधे फाइनल में, है कि नहीं। हालांकि ठीक है मौका है, मगर फिर भी पहले यही मैच जीतो सीधे फाइनल में जाओ, ठीक है। तो दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा मैच है, और कौन से प्लेयर हैं जो बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनो। क्या टीम न्यूज़ है वो भी बताता हूँ, पिच के बारे में कुछ बताता हूँ आपको, ठीक है। किस खिलाड़ी को कब लेना है, कब ड्रॉप करना है, कौन सा खिलाड़ी मुझे लग रहा है परफॉर्म करेगा, कौन सा खिलाड़ी मुझे लग रहा है फ्लॉप होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ दोस्तों मैं फेयर प्ले से। अब फेयर प्ले क्या है, तो भाई सिंपल सी भाषा में ना, फेयर प्ले एक ऑनलाइन क्रिकेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका अकाउंट इंस्टेंट 2-3 क्लिक में आपका बहुत जल्दी आपका अकाउंट बन जाता है, जहां पर आपको डिपॉजिट करने पर 300% का बोनस ऑफर मिलता है, और जहां पर आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है 6% तक, और लॉस बैक बोनस लाइफ टाइम आपको मिलता है 3% तक, जहां पर आप लाइव ढेर सारे गेम्स खेल सकते हो, कार्ड गेम्स, कैसीनो एंड ऑल, जो कि एकदम रियल डीलर से खेल सकते हो, और उसमें कोई बॉट नहीं है, रियल डीलर से खेल सकते हो, कंप्यूटर वाला नहीं, समझ रहे हो, वो चीज है। और आपको बढ़िया ऑर्ड्स मिलते हैं, ये भी चीजें हैं। 24 घंटे आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, 24 घंटे आपको डिपॉजिट और विड्रॉल मिलता है, ये भी चीज है। 15% तक आपको रेफरल बोनस मिल जाता है। इतनी सारी क्वालिटीज हैं तभी फेयर प्ले बेस्ट है, ठीक है। तो ग्रेटर ऑर्ड्स, ग्रेटर विनिंग्स, जाओ सभी लोग fairplay.com पर विजिट करो। जो लिंक मैंने आपको फेयर प्ले का दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है, उस लिंक से अगर आप जाओगे फेयर प्ले पे तो आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ऑफर मिलते रहेंगे, बोनसेस आपको मिलते रहेंगे। तो जाओ और ये सभी चीज़ों का फायदा उठाना है तो मेरे लिंक से ही जाना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो और जाके फेयर प्ले पर विजिट करो, अपना अकाउंट बनाओ और खेलना शुरू करो, और मोबाइल से बैठे बैठे पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे टीम न्यूज़ की। सबसे पहले भाई
इंपॉर्टेंट मैच जैसे मैं बोल चुका हूँ, अब दोनों टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहेंगी। हाँ, जो मैट केली है ना बॉलर, उसको लास्ट मैच में ना वो उसके जगह पे कंकर्सन सब्सटीट्यूट आया था, तो उसका मतलब तो चोट गहरी है और वो बाहर हो चुका है, तो वो ये मैच नहीं खेलेगा। अब इसको कौन रिप्लेस करेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एस्टन अगर और जाय रिचर्डसन, ये भी अनवेलेबल है, ये भी नहीं खेलेंगे। साथ में अगर सिक्सर्स की बात करें तो सिक्सर्स की टीम में लगभग वही टीम होने वाली पिछले मैच वाली, बस स्टीव ओ'कीफ़ जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है वो आ सकता है उनकी टीम में, क्योंकि भाई सामने पर्थ में मतलब राइटी बैट्समैन ज़्यादा है, राइट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा है, तो उनके उसको जो जरूरी प्लेयर है स्टीव ओ'कीफ़ और एक्सपीरियंस प्लेयर है, विकेट टेकर है, तो उसको अपनी टीम में ला सकते हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर देख लें तो सिडनी सिक्सर्स के आप देखो, जॉर्ज फिलिप, स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे। फिलिप जो कि अच्छा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर, बस लेफ्ट आर्मर्स के सामने थोड़ा स्ट्रगल करता है, वरना प्लेयर तो अच्छा है, विकेट कीपिंग से आपको बैकअप देगा, आपके लिए मस्ट पिक है। और वैसे तीन मैच से परफॉर्म नहीं किया, उम्मीद करते हैं बड़ा मैच, जो बड़े मैच में बंदा परफॉर्म करने वाला प्लेयर, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं स्टीव स्मिथ के ऊपर, भाई साहब टेस्ट का प्लेयर कहाँ आ गया, ये सेंचुरी मारे जा रहा है, दो सेंचुरी इसने मार दी लास्ट मैच में, बहुत तगड़ा खेल गया भाई, बहुत अच्छे फॉर्म में। हालांकि मैं इसको अपनी टीम में अभी बता रहा हूँ मैं नहीं लूंगा, उसका रीजन ये, इस बंदे ने मुझे 3-4 मैच हराए लगातार, मैं इस बंदे को अपनी टीम में नहीं लूँ, मैं बदला लूंगा इससे, आप जरूर लेना। अच्छे फॉर्म में, अच्छा प्लेयर है, अच्छे शॉट लगा रहा है, अच्छी टाइमिंग से खेल रहा है, ठीक है, अंडबंड नहीं खेला, बढ़िया खेल रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी कर्टिस पैटरसन है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, अच्छा प्लेयर है, फॉर्म भी ठीक ठाक है। मोसेस हेनरिकेस, इसका भी फॉर्म ठीक ठाक है, 4 नंबर बैटिंग करेगा। 5 पे आएंगे आपके जॉर्डन सिल्क, जिनका फॉर्म जो कि ठीक है, खराब नहीं बोलेंगे। और बाकी डैनियल क्रिश्चन का रोल बस टीम में इतना है भाई, मतलब जितना मेरे घर में मेरा कोई रोल नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, बस मैं लकी हूँ इसलिए, बस समझ लो वो चीज़ सीन है, डैनियल क्रिश्चन लकी है, ठीक है, वो मतलब लकी इसलिए उसको खिला रहे हैं, बाकी वो तो रिटायरमेंट भी ले ही चुका है, तो सिंपल सी बात है, खत्म है बिग बैश बात, समझ लो आपको दिखना बंद हो जाएगा वो, मतलब टीवी पर देखिए कमेंट्री करते दिख सकता है खेलते हुए नहीं, तो वही चीज़ हेडन केयर जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग में तो 4 ओवर लगभग पक्के, तो उसको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, मस्त भी क्या रख सकते हो, नहीं रखना ही है, ठीक है, क्योंकि बैटिंग से बैकअप देगा। बेन डॉर्सियस भाई साहब, ये तो सीन अवार्ड के ऊपर बैटिंग करने आने लगा है और टीम इसके ऊपर बहुत भरोसा करी, बैटिंग में भी जितनी करी टूर्नामेंट में अच्छी करता है, ज़्यादा बड़ा नहीं खेल पाता, एकदम नीचे आता है, क्या ही कर लेगा, लेकिन हाँ जितना खेलता है अच्छा खेलता है और बॉलिंग से तो अच्छा कर ही रहा है। बाकी सीन अवार्ड विकेट ले रहा भैया, ये विकेट टेकर है हमेशा से, सारा कोई तो सीजन ऐसा जाए जो सीन अवार्ड का खराब जाए, नहीं जाता, बहुत बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है, बैटिंग से भी बैकअप देता है, मस्त पिक है। बाकी स्टीव ओ'कीफ़ और इजराउल नवीद, इन दोनों में से कोई खेलेगा, मेरे ख्याल से स्टीव ओ'कीफ़ को खेलना चाहिए। जैक्सन बट वैसे तो ये बंदा स्टार्टिंग में विकेट लेने के लिए काफी मशहूर है, सेकंड इनिंग्स में अगर बॉलिंग करा तो ट्राई कर सकते हो। अब बात करें अगर हम पर्थ स्कॉचेस की, भाई यस्किन जाई जो कि जिसका फॉर्म बहुत अच्छा है, लास्ट मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करी, कैचेस भी करता है, अच्छा प्लेयर है, मगर वही बात है कि कम लोग ट्राई करेंगे, आपका मन है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, आपका मन है भरोसा भी दिखा सकते हो, मैं उतना श्योर नहीं हूँ। बैंक्रॉफ्ट भाई, कैमरन बैंक्रॉफ्ट इतना कंसिस्टेंट प्लेयर कभी नहीं रहा जितना इस बिग बैश लीग सीजन में रहा है, सही बताऊं तो, लेकिन वो क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है और बहुत अच्छे शॉट्स मार रहा है, इसको आपकी अपनी टीम में जरूर रखना, मैं कह रहा हूँ स्किंजाई और बैंक्रॉफ्ट में से कोई एक रखना जो भी आपका दिल करे। बाकी एरोन हार्डी अभी तक तो बॉलिंग नहीं करा रहा था, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग कराई, एक ओवर डाला था, एक विकेट, इस मैच में हो सकता है कि ज़्यादा ओवर बॉलिंग कराया और 3 नंबर पर बैटिंग करा, कैप्टन का प्रबल दावेदार है, आपको आपकी टीम में कैप्टन कर सकते हो, 2-3 ओवर डाल गया, बैटिंग से 30-40 बना गया, तो कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस है, तो इसको आपकी टीम में मस्ट पिक है और लोगों का होगा भी। बाकी जॉस इंग्लिश विकेट कीपिंग से आपको बैकअप देगा, फॉर्म अच्छी है, ये भी इतना इतनी ज़्यादा रन किसी टूर्नामेंट में किसी सीजन बनाया नहीं जितना इस बार बना रहा है, तो ये भी अच्छा प्लेयर है, मस्ट पिक, इसको भी रखना। एस्टन टर्नर इस मैच में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सिक्सर्स के पास बहुत कम है, तो फिर सिंधी से बात है कि यार बॉलिंग से आप उम्मीद मत करो, हाँ अगर कर्टिस पैटरसन टिका रहा तो शायद 1-2 ओवर डाल दे, बाकी बॉलिंग से उम्मीद मत करो, बैटिंग से लेकिन अच्छा प्लेयर है, मैच विनर है, मैच कहीं पर फंसता है तो मैच को निकालना जानता है, मैच डीप ले जाता है और फिर खत्म करता है मैच, तो अच्छा प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करेगा सेफ रहेगा आपके लिए, बाकी अगर आप ग्रैंडली खेल लो सेकंड इनिंग में भी ट्राई करना, अगर जिस टीम में टर्नर को ट्राई करना, टॉप 3 में से 2 प्लेयर ड्रॉप कर देना, ठीक है। चलो निक हॉब्सन है, अच्छा बैट्समैन है, जितना बैटिंग मिलता है ठीक करता है, अब तो उतना मौका मिलता ही नहीं जाता, बट ठीक है, मैं तो स्मॉल लीग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। कोनॉली ठीक है, रखना चाहो तो रख सकते हो, उतना तो मुझे नहीं लग रहा विकेट टेकर, मतलब नहीं लगता, मगर ठीक है, अच्छा कर रहा है, तभी खेल रहा है, तो आपको मैंने रखो, मैं ग्रैंड लीग में ट्राई करूँ, स्मॉल लीग में नहीं। एंड्रयू टाई विकेट टेकर भाई साहब, डेथ ओवर में का स्पेशलिस्ट है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करा है, वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, मगर लास्ट मैच एक हुआ तो फिंच ने बहुत मारा था इसको। डेविड पेन अच्छा बॉलर है, बिल्कुल ट्राई करो, पर्थ की जो पिच है उस पर तो बहुत ही खासकर ये काम करने वाला है। लैंस मॉरिस, पीटर हर्ट्ज़गुल्लू और लैंस मॉरिस, मुझे लग रहा है लैंस मॉरिस को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये, जितना बॉलिंग कराई अच्छी कराई है और ये जो पिच है पिक्सर्स को हेल्प करती है,
टप्पा डालो, कॉट बिहाइंड कराओ, मिस हिट कराओ, वेरिएशन डालो और ले लो विकेट। और क्या है, जैसन बैंड्रॉफ, ये भाई लेफ्ट आर्मर जो है ना, जैसन बैंड्रॉफ इसके अंदर एक क्वालिटी है, ये आउट कर सकता है स्टीव स्मिथ को और जॉर्ज फिलिप को। अगर जॉर्ज फिलिप ने बैंड्रॉफ के ओवर निकाल लिए तो अच्छा खेल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है बैंड्रॉफ को, तो जरूर रखना। अब बात करते हैं पिच के बारे में, तो भाई ऑप्टस स्टेडियम पर्थ, ये जो ये विकेट है ना, ये ऐसा है कि बैटिंग के लिए भी ठीक है, बाकी फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। उसका देखो, जो बैट्समैन शुरुआत के ओवर्स में 4-5 ओवर टिक जाता है, सेट हो जाता है, वो बहुत लंबा खेल जाएगा, और जो जल्दबाजी करता है शुरुआत में आउट हो जाता है, वो भाई आउट हो गया, सिंपल सी बात है। तो कहो गंडरा भाई, आप वो तो वैसे भी है, 4-5 ओवर टिक गया तो अच्छा ही खेल जाएगा, लेकिन भाई हकीकत है लंबा खेल सकता है। सेट हो जाओगे ना अगर आप, तो फिर आप बॉल जब पुरानी हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जितना बॉल हार्ड है लहराएगी, मूवमेंट मिलेगा बॉल को, उतना खतरनाक है। पर जैसे 3-4 ओवर हो जाएंगे, मूवमेंट खत्म हो जाएगा, फिर आपके बल्ले बॉल आसानी से आएगी, जाके पेल पाल के रामपाल कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं पेसर्स को, भाई वही बोला, अच्छा अच्छा, मतलब बाउंस मिलता है, सब कुछ है उनके लिए, विकेट है, स्पिनर्स उतना कुछ खास करते नहीं, हाँ सेकेंड इनिंग्स में कुछ स्टीव कुछ है, वो तो विकेट ले सकता है, विकेट टेकर है। बाकी होम ग्राउंड है पर्थ का, और इस मतलब होता है ना अड्डा है उनका, वो राजा है, मतलब मुनी का मैदान है ये पर्थ का, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, 7 मैच में 1 ही मैच हारी है यहाँ पर, बाकी सब जीती है। और बैटिंग सेकंड टीम है रिजर्व स्लाइट एडवांटेज, तो 10 में से 7 बैटिंग बैटिंग सेकंड करते हुए जीती है, और तो वो चीज़ है। स्कोर की बात करें 160-170 ना दोनों टीम से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हेड टू हेड की, भाई देखो दोनों टीम के बीच में 26 मैच ओवरऑल खेले गए, और सिक्सर ने 10 जीते हैं, पर्थ स्कॉचर्स ने 16। ये मैच में भी पलटरा जो भारी है से ऊपर स्कॉचर्स का है। अब आपको बताता हूँ मैं टीम की, भाई टीम बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें ख्याल में रखनी, किसको कब लेना है, कब ड्रॉप करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, कहाँ चलें, हाँ तो बनाते हैं बढ़िया टीम फैंटेसी की। तो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, जो जॉर्ज इंग्लिश और जॉर्ज फिलिप, मैं कहता हूँ दोनों को रखो, दोनों विकेट कीपिंग से बैकअप करेंगे, दोनों टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे, रख लेते हैं। अब आते हैं बैटिंग सेक्शन में, जैसे कि मैंने बोला स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे फॉर्म में, अलग ही माता आ गई है इसके ऊपर, पता नहीं कौन सा वरदान लेके आया है, बहुत मार रहा है, पेल दे रहा है बॉलर को, मगर मैं नहीं लूंगा, मुझे 4 मैच हराया इसलिए मैं बदला लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मेरा पर्सनल रिस्क आप जरूर लो। मैं यहाँ पर हेनरिकेस को, कॉर्टिस पैटरसन को, बैंक्रॉफ्ट को लूँगा, ठीक है। और बाकी स्मॉल लीग के लिए स्किंजाई अच्छा ऑप्शन है, बाकी ग्रैंडलिंग या हॉबसन और टर्नर और सिल्क को ट्राई कर सकते हो। टर्नर और सिल्क को तभी, और हॉबसन तीनों को तभी ट्राई करना स्मॉल लीग में जब भी पहली इनिंग बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आते अगर ऑलराउंडर में, तो हेडन केयर और एरॉन हार्डी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डी से उम्मीद कर सकते हैं बॉलिंग भी कराएगा, हेडन केयर बॉलिंग करा ही रहा है, बैटिंग अच्छी कर ही रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेनियल क्रिश्चियन बोला इसी फॉर्मेलिटी के लिए अपनी टीम में रखते हैं इसको, क्योंकि लकी है, बाकी कोई रोल है नहीं, बॉलिंग उतना बॉलिंग करा नहीं रहा, बैटिंग से फॉर्म में है नहीं, लगता है भूल ही गया क्रिकेट खेलना। बाकी कोनोली को स्मॉल लीग में आपको मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। उसके बाद अगर बात करें बॉलर्स की, तो बॉलिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शन जो है, बता रहा हूँ मैं, सीन अबॉट है, एंड्रयू टाई है, जैसन बैंड्रॉफ है, बेन डॉर्सियस है, स्टीव ओकीफी है, जैक्सन बर्ड है, मैट केली है, और नवीद भी खेल सकता है, डेविड पेन है, बहुत ऑप्शन है, मगर जो मस्ट पिक है बता रहा हूँ, अगर पर्थ स्कॉचर पहले बॉलिंग करी, बैंड्रॉफ टाई, ये दो को जरूर रखना और रिस्क लेना है। केली तो खैर नहीं खेल रहा है, तो केली का मैंने फालतू बोल दिया, वो तो नहीं खेल रहा है। हाँ डेविड पेन को भी रख सकते हो, अगर पर्थ स्कॉचर पहले बॉलिंग करी, रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर, मगर इंपॉर्टेंट जो प्लेयर स्मॉल लीग के लिए, सीन अबॉट है, एंड्रयू टाई है, बैंड्रॉफ है, डॉर्सियस है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, मैं फिलहाल इन 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रख रहा हूँ। और बता रहा हूँ जैक्सन बट और स्टीव कीफे सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराते हुए रख सकते हो ये दो बॉलर्स को, और पेन, डेविड पेन को और लैंस मोरिस को, इन दोनों बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराते हुए रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। कैप्टन मैच कैप्टन की बात करें, भाई मैं एरॉन हार्डी को कैप्टन करूंगा, क्योंकि लास्ट मैच में एक ओवर डाला, इस मैच में उम्मीद कर सकते हैं कि कॉनली के ओवर कट गए, तो ये 2-3 ओवर डाल सकता है और बैटिंग में 3 नंबर पर आएगा, तो अच्छे पॉइंट दे सकता है, तो मैं एरॉन हार्डी को कैप्टन कर रहा हूँ। वाइस कैप्टन मैं जॉर्ज फिलिप को करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बड़े मैच का प्लेयर है, अगर बैंड्रॉफ के ओवर इसने कर निकाल लिए तो भाई साहब काम आ जाएगा, फिर तो पेल देगा, फिर तो 50-60 रन कुछ नहीं है इसके लिए, तो बड़े मैच का प्लेयर है, तो मैं जॉर्ज फिलिप को मैं वाइस कैप्टन करूंगा, ठीक है। हालांकि हेडन केयर और सीन अगर अगर ये पहले अगर बॉलिंग करती है सिक्सर्स, तो सीन अवॉर्ड को भी आप कर सकते हो वाइस कैप्टन, क्योंकि ये भी विकेट टेकर है, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, मगर ठीक है देखते हैं। फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर मिली जाएगी, है ना। तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, स्क्रीन पर रहा ये यूजर नेम रहा, या बाकी टेलीग्राम पर अनुराग द्विवेदी सर्च कर सकते हो, ब्लू टिक लगा है, 5,20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जाके तुरंत टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन करो, एकदम फ्री है, फाइनल टीम वहाँ पर आ जाएगी, और गिवअवेज भी वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि क्या आपके प्रेडिक्शन है, आपको क्या लग रहा है, आपने कितना जीता कितना हारा, जो भी लिखना है कुछ ना कुछ कमेंट करो, तुम्हारा भाई कमेंट जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, और ख्याल रखना अपना, मस्त रहो, चिल रहो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, लव यू, ऑल द बेस्ट।